स्टोरी की स्टार्टिंग एक बैकग्राउंड साउंड से होती है। 18 साल फ्यूचर के एक्साइटमेंट चीज़ों से भरा होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए जब हम अपने यूथ को एंजॉय करने ही वाले थे कि तभी जबरदस्ती हमारी शादी कर दिया गया। अब मेल लीड अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम जय चैंग है, मैं एक ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जैसा दिख रहा हूं, लेकिन असलियत में मैं एक डीमन और साथ में मैं एक हार्डकोर ओटाकू भी हूं। जब मैं छोटा था तब मैंने गलती से ह्यूमन वर्ल्ड से एक मैगजीन खरीद लिया था और जब मैंने उसे पढ़ा तो मैं तो बिल्कुल फैन ही हो गया था। और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में जाना है तो जाना है, इसलिए मैं ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में और जानना चाहता हूँ, उनके कल्चर के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं स्टडी करना चाहता हूँ। यही एक एक्सक्यूज बनाकर मैं ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया और भी ज़्यादा ऑब्सेस हो गया और मैं अपना लगभग सभी पैसा इन्हीं सब चीज़ों पर खर्च करता हूँ। अपने बारे में वो बता ही रहा होता है कि तभी वो पेड़ पर रेड कलर देखता है। ये देखकर वो सोचता है मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि पेड़ के पत्ते ऐसे नहीं होते हैं, इसलिए वो उस पेड़ के पास जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है वो देखता है वो तो रेड हेयर कलर की लड़की होती है और इससे पहले कि चैंग कुछ समझ भी पाता वो उसी पर गिर जाती है। वो देखता है ये तो एक लड़की है, वो जल्दी से उसे बैठा कर उसके गालों पर थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगता है और उससे कह रहा होता है जल्दी उठो, तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े फट गए हैं और गंदे भी हो गए हैं, तुम्हें इसका हर्जाना भरना ही पड़ेगा। तभी वो होश में आ जाती है और चैंग उससे कह ही रहा होता है कि तभी उसके पेट में से आवाज़ आती है, इसलिए वो समझ जाता है जब तक मैं इसे कुछ खिलाऊंगा नहीं ये कुछ बोलने वाली नहीं है, इसलिए वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और खाना खिलाता है। खाना खाकर वो कह रही होती है तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि अब लग रहा है कि हाँ अब मैं जिंदा हूँ। वहीं पर वो सोच रहा होता है मैंने कुछ सेकंड के लिए अपना गार्ड क्या डाउन कर दिया था, मैं तो इस मुसीबत में फंस गया, मैं इस बात के लिए क्यूरियस हूँ क्या सूरज किस दिशा से निकला है कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरे ऊपर आकर गिर गई। वैसे ये है तो बहुत क्यूट है लेकिन इतना भी फ्लैट नहीं होना चाहिए था। जो भी हो लेकिन मेरा डीमन सेंस मुझसे ये कह रहा है कि मुझे इसके झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। तभी वो कहती है मुझे बचाने के लिए थैंक्स और तुमने मुझे खाना भी खिलाया उसके लिए भी थैंक्स। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तो इस बात को लेकर खुश हूँ कि तुम्हें चोट नहीं आई। वो कहती है एक्चुअली मैं किसी बंदे को ढूंढ रही हूँ, उसे ही ढूंढते ढूंढते मैं थक गई थी इसलिए मैं आराम करने के लिए पेड़ पर आश्रय लिया था, लेकिन मैं गलती से वहीं पर सो गई थी। वो कहता है बंदर बंदर हो क्या। वो कहती है कि एक्चुअली मैं इस सिचुएशन में एक गधे के कारण फंस गई हूँ, आई स्वेयर जब भी वो मुझे मिलेगा मैं पक्का उसे कच्चा चबा जाऊँगी। ये सुनकर वो अपने मन में कह रहा होता है कि इससे पहले कि वो अपना रामकथा सुनाना मुझे शुरू करे और मैं उसके झमेले में फंस जाऊँ मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। ये सोचकर वो कहता है अगर सब कुछ ठीक है तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं जाता हूँ। ये सुनकर वो कहती है तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो और उसके बहुत ज़्यादा करीब जाकर कहती है मेरा नाम यू सांसन है और तुम्हारा। वो कहता है नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। वो कहती है इसका मतलब तुम जस्टिस के रखवाले हो। वो कहता है ऑफ कोर्स नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं हूँ। वो कहती है तो ठीक है अब मैं जा रही हूँ और मैं तुम्हारा काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और वो चैन के साथ से लेते हुए सोच रहा होता है कि चलो मैं उसके झमेले में पड़ने से बच गया। तभी वेटर आकर कहता है सर आपका 648 युआन बिल हुआ है, आप कार्ड यूज कर रहे हैं या कैश कर रहे हैं। ये सुनकर उसे याद आता है कि वो उसे स्कैम करके भाग गई और ना चाहते हुए भी उसे पे करना पड़ता है। इसके अगले सीन में वो अपने स्कूल में जाता है जहाँ पर वो अपने क्लास मॉनिटर को पूरा कहानी सुनाता है कि क्यों आज वो लेट हो गया, लेकिन वो विश्वास ही नहीं करती है और कहती है कि अपने स्कूल का फर्स्ट डे में लेट होने का एक्सक्यूज अच्छा है तुम्हारा। वो चिल्लाते हुए उस पर कह रहा होता है मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास उतना पैसा पे करने के लिए भी नहीं था, उन लोगों ने मेरा बिल्कुल नया वाईफाई फिगर भी मुझसे छीन लिया था। वो भी उस पर चिल्लाकर कह रही होती है इसलिए मैं तुमसे कहते रहती हूँ कि फालतू के ओटाकू वाला चीज़ें मत खरीदा करो। वो कहता है कैसे ना खरीदूँ, वही तो मेरा जीने का रीज़न है। वो कहती है जो भी हो मैं तुम्हारे फर्स्ट डे पर तुम्हें एब्सेंट कर रही हूँ और वो उससे बहुत विनती कर रहा होता है कि प्लीज़ मुझे एब्सेंट मत करो माइटी एंजल। वो एंजल कहती है ह्यूमन वर्ल्ड में डीमंस का सुपरवाइज करना ही मेरा काम है। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका असर मेरे असेसमेंट पर पड़ेगा जिससे मुझे ह्यूमन वर्ल्ड को छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा। तभी बताया जाता है कि जो डीमन ह्यूमन वर्ल्ड में रहना चाहते हैं उन्हें एंजल्स का एक असेसमेंट को फॉलो करना पड़ता है। वहीं पर चैंग इसके अंजाम को सोचकर उससे और भी ज़्यादा विनती करने लगता है कि प्लीज़ मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो फिर भी उसे प्रेजेंट नहीं करती है और कहती है जितना रोना चिल्लाना है रो लो अब कुछ भी नहीं हो सकता है। ये बोलकर वो उसे भगा देती है और वहीं पर वो उससे दूर जाकर उस चश्मिस एंजल को बहुत ही बुरा भला बोल रहा होता है। तभी उस एंजल को किसी का कॉल आता है, कॉल पर बात करने के बाद वो कहती है चीज़ें अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। वहीं पर चैंग अपने वाइफूज के बारे में सोचकर बोल रहा होता है मुझे वो सारी की सारी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि उसे बहुत ही जोरों से भूख लगी होती है और वो आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं होता है। तभी उसे रास्ते में वही लड़की दिखती है, जैसे वो उसे दिखता है वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है और कहता है इस बार तो मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ता है वो लड़की तुरंत उसे उठाकर पटक देती है और उससे पूछती है कौन हो तुम।
वो कहता है ये मैं हूँ, तुमने कहा था कि तुम खाना के बदले मेरा एहसान चुकाओगी। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि भागना बंद करो। उन्हें वहाँ पर देखकर वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है और चैंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। तभी वहाँ पर वो दोनों आकर उससे पूछ रहे होते हैं क्या तुम ठीक हो। वो कहता है लगता तो है कि मैं ठीक ही हूँ और अपने मन में चिल्लाकर बोल रहा होता है कि तुमने मुझे बहुत ही गुस्सा दिला दिया है। तभी वो दोनों उसे पहचान लेते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम डीमन हो। ये सुनते ही वो भी वहाँ से भाग जाता है और सोच रहा होता है अब ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं और उन्हें मेरी आइडेंटिटी कैसे पता चला। और वहाँ पर उन दोनों के अलावा और भी उनके जैसे लोग होते हैं और चैंग उन सभी लोगों से भी बचकर भाग रहा होता है। तभी रास्ते में उसे उसके क्लास मॉनिटर चश्मिश दिखती है। वो उसे देखकर कहती है क्या कोइंसिडेंट है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। ये बोलकर वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगती है लेकिन वो उसे डॉच करके उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से भागने लगता है और सोच रहा होता है वो चश्मिश एक एंजल है और ये लोग भी एंजल ही होंगे और शायद मैंने अपना असेसमेंट पूरा नहीं किया इसलिए ये लोग मुझे वापस ले जाने आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अभी बहुत कुछ ऐसा चीज है जो मैंने ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं किया है। और वो कैसे तैसे करके उन सभी लोगों से बचकर एक बालकनी पर चढ़ जाता है और उन सभी लोगों का मजाक उड़ाते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोग मुझे इतनी आसानी से पकड़ नहीं सकते हो। लेकिन तभी वहीं से वो लड़की भी भाग रही होती है और वो गलती से उससे टकरा जाती है जिससे वो दोनों वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। और वो बंदा किसी को कॉल करके कहता है कि हमने दोनों को पकड़ लिया है और हम उन दोनों को लेकर आ रहे हैं। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।